देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज, मैं हूं रोहित वर्मा। सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचा विध्वंस किए जाने के मामले में आज फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ढांचा विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, ये एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की। इस मामले में कब क्या हुआ, आइए ये बताते हैं आपको। 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी की बनी बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया था, जिसे लेकर देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, हिंसा हुई और हजारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ गए। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मस्जिद दोबारा तामीर करने की घोषणा की और 10 दिन बाद मस्जिद ढहाने की घटना और उसके पीछे कथित षड्यंत्र की जांच के लिए जस्टिस एमएस इब्राहिम की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग ने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन अदालत में इस मामले में फैसला आने में इतना लंबा वक्त लगा कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह पर ही मंदिर बनाने का फैसला भी ले लिया और मंदिर निर्माण की कोशिशें भी शुरू हो गई। 6 दिसंबर 1992 को कई दिनों से अयोध्या में कार सेवा के लिए डटे कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और वहां एक अस्थायी मंदिर बना दिया। उसी दिन इस मामले में 2 FIR दर्ज की गई। पहली FIR संख्या 197/192 उन तमाम कार सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई थी जिसमें उन पर डकैती, लूटपाट, चोट पहुंचाने, सार्वजनिक इबादत की जगह को नुकसान पहुंचाने, धर्म के आधार पर दो गुटों में शत्रुता बढ़ाने जैसे आरोप लगाए थे। और दूसरी एफआईआर थी 198/192 बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े उन 8 लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने रामकथा पार्क में मंच से कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। इस एफआईआर में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, वीएचपी के तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दल के नेता विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभा, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर और विष्णु हरिडालमिया नामजद किए गए थे। पहली एफआईआर में दर्ज लोगों के मुकदमे की जांच के बाद में सीबीआई को सौंप दी गई, जबकि दूसरी एफआईआर में दर्ज मामलों की जांच यूपीसीआईडी को सौंपी गई थी। साल 1993 में दोनों एफआईआर को अन्य जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया था। कार सेवकों के खिलाफ एफआईआर संख्या 197 की सुनवाई के लिए ललितपुर में एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया, जबकि एफआईआर संख्या 198 की सुनवाई रायबरेली के विशेष अदालत में ट्रांसफर की गई। और इसी बीच पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के तहत रामलला की सुरक्षा के नाम पर करीब 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। 7 जनवरी 1993 को इस अध्यादेश को संसद की मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून में तब्दील कर दिया गया। बाबरी विध्वंस के 10 दिन बाद मामले की जांच के लिए बनाए गए लिब्रहन आयोग को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए अधिकतम 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन समय समय पर इसकी अवधि बढ़ती रही और 17 साल के दौरान आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। लिब्रहन आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी और इस दौरान आयोग के कामकाज पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच रिपोर्ट में लिब्रहन आयोग ने क्या पाया था वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने पाया था कि मस्जिद को एक गहरी साजिश के तहत गिराया गया था। आयोग ने साजिश में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाए जाने की सिफारिश भी की थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उसी दिन दर्ज कराए गए 2 अहम मुकदमों के अलावा 47 और मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिनमें पत्रकारों के साथ मारपीट और लूटपाट जैसे आरोप लगाए गए थे। बाद में इन सारे मुकदमों की जांच सीबीआई को दी गई थी। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की सलाह पर लखनऊ में अयोध्या मामलों के लिए एक नई विशेष अदालत गठित हुई, लेकिन उसकी अधिसूचना में दूसरे वाले मुकदमे का जिक्र भी नहीं था। यानी
एफआईआर संख्या 198 के तहत दूसरा मुकदमा रायबरेली में ही चलता रहा। साथ ही मुकदमों को ट्रांसफर किए जाने से पहले साल 1993 में एफआईआर संख्या 197 में धारा 120B यानी आपराधिक साजिश को जोड़ दिया गया। मूल एफआईआर में यह धारा नहीं थी। 5 अक्टूबर 1993 को सीबीआई ने एफआईआर संख्या 198 को भी शामिल करते हुए एक संयुक्त आरोप पत्र दाखिल किया, क्योंकि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आरोप पत्र में बालासाहेब ठाकरे, कल्याण सिंह, चंपत राय, धर्मदास, महंत नृत्य गोपाल दास और कुछ अन्य लोगों के नाम अभियुक्तों में और जोड़े गए थे। 8 अक्टूबर 1993 को यूपी सरकार ने मामलों के ट्रांसफर के लिए एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें बाकी मामलों के साथ 8 नेताओं के खिलाफ एफआईआर संख्या 198 को जोड़ दिया गया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये था कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में होगी। साल 1996 में लखनऊ की विशेष अदालत ने सभी मामलों में आपराधिक साजिश की धारा को जोड़ने का आदेश दे दिया। इस मामले में सीबीआई एक पूरक आरोप पत्र दाखिल करती है, जिसके आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि लाल कृष्ण आडवाणी सहित सभी नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप तय करने के लिए पहली नजर में पर्याप्त सबूत थे। विशेष अदालत ने आरोप निर्धारण के लिए अपने आदेश में कहा कि चूंकि सभी मामले एक ही कृत्य से जुड़े हैं, इसलिए सभी मामलों में संयुक्त मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार बनता है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी समेत दूसरे अभियुक्तों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। 12 फरवरी 2001 को हाईकोर्ट ने सभी मामलों की संयुक्त चार्जशीट को तो सही माना, लेकिन साथ में यह भी माना कि लखनऊ विशेष अदालत को 8 नामजद अभियुक्तों वाला दूसरा केस सुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके गठन की अधिसूचना में वे केस नंबर शामिल नहीं था। सरल शब्दों में कहें तो आडवाणी और अन्य हिंदूवादी नेताओं पर दर्ज मुकदमा कानूनी दांवपेच और तकनीकी कारणों में फंसा है। दरअसल अभियुक्तों के वकील ये साबित करने में कामयाब रहे कि उत्तर प्रदेश की सरकार प्रशासनिक चूक के कारण उनके खिलाफ गलत तरीके से आरोप लगाए गए। इस कथित प्रशासनिक चूक का इस्तेमाल आडवाणी और अन्य अभियुक्तों ने आपराधिक साजिश के आरोप हटाने के लिए किया, क्योंकि ये आरोप केवल एफआईआर संख्या 197 के मामले में डाले गए थे। हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि यदि उनके पास आडवाणी और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के सबूत हैं, तो रायबरेली कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करें। साल 2003 में सीबीआई ने एफआईआर 198 के तहत 8 अभियुक्तों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। हालांकि बाबरी मस्जिद ढहाने के आरोप आपराधिक साजिश के आरोप को सीबीआई इसमें नहीं जोड़ सकी, क्योंकि बाबरी मस्जिद ढहाने में आपराधिक साजिश वाली एफआईआर संख्या 197 और भड़काऊ भाषण वाली एफआईआर संख्या 198 दोनों अलग अलग थे। इस बीच रायबरेली कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी की एक याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की और उन्हें आरोपों से ये कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं। लेकिन साल 2005 में इलाहाबाद कोर्ट ने रायबरेली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि आडवाणी और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमे चलते रहे। ये मामला कोर्ट में आगे बढ़ा जरूर, लेकिन उसमें आपराधिक साजिश के आरोप नहीं थे। साल 2005 में रायबरेली कोर्ट ने मामले में आरोप तय किए और साल 2007 में इस मामले में पहली गवाही दी। इसके 2 साल बाद लिब्रहन आयोग ने भी अपनी 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद में सार्वजनिक किया गया, जिसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की गई थी। इस रिपोर्ट में संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के प्रमुख नेताओं को उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जिनकी वजह से बाबरी विध्वंस की घटना हुई। साल 2010 में दोनों मामलों को अलग करने का निचली अदालत का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। साल 2001 में इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में दो प्रकार के अभियुक्त थे। पहले वो नेता जो मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर मंच से कार सेवकों को भड़का रहे थे, और दूसरे खुद कार सेवक यानी एलके आडवाणी और अन्य नेताओं के नाम आपराधिक साजिश में नहीं जोड़े जा सकते थे। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 20 मार्च 2012 को एक हलफनामा दायर किया जिसमें दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई के पक्ष में दलील दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में एलके आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह सहित वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी कर बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आपराधिक साजिश की धारा नहीं हटाने की सीबीआई की याचिका पर जवाब देने को कहा, लेकिन इस पर फैसला आ चुका है। अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में इस पर सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार फैसला सुनाते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा कि सभी 49 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस मामले में सुनवाई के दौरान 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है, ऐसे में बाकी बचे सभी 32 आरोपी दोषमुक्त करार दिए गए। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वो पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, घटना आकस्मिक थी। साथ ही जज ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।